गाइस मैं वेलकम बैक हो गया सभी लोग का नॉट गिव अप के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर आज हम लोग आ चुके हैं वापस अपने पैल वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर जहां पर हम लोग करते हैं भाई बहुत ही खतरनाक खतरनाक पैल्स को टेम और उसके बाद हम लोग को डिफीट करने कैसे भी वो खतरनाक वाले टावर्स लास्ट टाइम हम लोग ने ये वाला टावर डिफीट कर दिया दिखाऊं ये वाला टावर ठीक है ये वाला हम लोगों ने ये जो क्या कह कहते हैं तो पैल अलायंस वाले का वो था जो फ्री पैल अलायंस वाले की बंदी थी उसका लिली था तो उसका हम लोगों ने वो किया था लड़की का हमने टावर डिफीट कर दिया था बट अभी हम लोगों को क्या

हाँ क्यूटीज क्यूटीज करके भाई कितना बदतमीज होता जा रहा है तुम्हें पता नहीं है अभी ये आ, भाई जा वो ओली की फ्रेंड्स लाइक कर दो ओली की फ्रेंड लाइक कर दो तक तो ठीक था अब भाई वहां जाके छेड़ भी रहा है लड़कियों कोई मेरे को इसके स्कूल से खबर आई है भाई है बदतमीज कहीं का छेड़ नहीं रहा था भैया क्या कर रहा था फिर फिर क्या कर रहा था हैं हैं फिर प्रिंसिपल मेरे को पागल बना रही हैं हैं बता रहा था वो सुंदर लग रही हैं ये देख रहे हो हाँ देख रहा बदतमीज को बता रहा था कि वो सुंदर नहीं जानना उनने नहीं जाननी तेरी राय तूने अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी करी ना बेटा तेरे को बता रहा हूँ मैं पैल वर्ल्ड से ही हटा दूंगा पूरा वॉज एम्ब्रेसिंग ब्यूटी करेगा दोबारा करेगा दोबारा बता है निकालू पैल वर्ल्ड से चल उठक बैठक कर फटाफट पट कर चल 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 उठक बैठक कर दस चाहिए मेरे को दो तीन चार बोल दोबारा नहीं छेड़ूंगा भैया जल्दी बोल जल्दी बोल बोल रहा बोल रहा नहीं बोल रहा जल्दी बोल क्या लिख रहा है ऐसे लिख रहा है क्या दो उसका नहीं छेडूंगा बस बताऊंगा तू बेटे सुधर जा तेरे को एक मिनट रुकोगा ऐसे ना बल्ले बल्ले खाने वाले लोग ना ऐसे नहीं मानते नहीं बोलूंगा वेरी गुड चलो भाई बदतमीजी नहीं करनी चाहिएगा इस बदतमीजी करने वालों को अलग से डंडे भी पड़ते हैं और पढ़ने भी चाहिए चलो अभी हो गया अपना सारे के सारे बन चुके भाई आज हम लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी देखो क्योंकि सीधी सी बात है मेरे को पता नहीं इन दोनों के बारे में बट इसको देख के लग रहा है कि ब्रदर ऑफ इटर्नल पायर पायर भाई फायर से बहुत ज्यादा वो करता है फायर मतलब बेसिकली कुछ तो इसका मतलब भी होता है मैंने और गेम्स में भी देखा है तो फायर से बहुत रिलेटेड होता है मोस्ट ऑफली यहाँ पे फायर टाइप हो सकता है जैसे हम लोगों ने सबसे पहले थंडर टाइप यहाँ पर देखा था राइट इस वाले में हमने थंडर टाइप देखा था यहाँ पर हम लोगों ने ग्रास टाइप देखा था मोस्ट ये फायर टाइप है इसका मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है पी आई डी एफ ऐसे गन्स वंस चलाती है तो हो सकता है कोई गंज वाला पैल हो लेकिन गन्ज वाला पैल कौन सा होता है वो मेरे को नहीं पता है ये क्या बोल रहा है भाई मेरा वाव अंडे ही अंडे, अंडे ओ एम जी अरे हाँ गाइज बाय द वे हम लोगों ने देखो इतने सारे एग इनक्यूबेटर बना दिए थे और अंडे ताकि इस वाली वीडियो में ना हम लोग एक रैफल टाइप का करें कि देखते हैं कि किसके अंडे वो है क्या कहते हैं क्या निकलेगा ठीक है तुम लोग कमेंट सेक्शन में अभी से लिखो यहाँ पे बारह अंडे ठीक है छः छः बारह यहाँ पे बारह अंडे तुम लोग ट्वेल्व में से कोई भी नंबर सेलेक्ट करो ठीक है देखते हैं सबसे बेस्ट अंडा किसकी किस्मत में निकलता है ठीक है अगर तुम्हारी किस्मत में निकला और चीटिंग मत करना पता लग खोलने के बाद कॉमेंट कर रहे हो बेटा बदतमीज मत करना पकड़ लेता हूँ मैं दो मिनट में ये इसके जैसा बदतमीज मत बनना ही है नोटंकी बाज तेरा कौन सा अंडा है जल्दी पता इनमें से कौन सा अंडा है तेरा फिफ्थ ठीक है यहाँ से शुरू करेंगे गाइस ये पहली रो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उधर से आते हुए ये हो गए ट्वेल्व ठीक है चलो सबसे पहला अंडा खोलते हैं गाइस तुम लोगों ने कमेंट में लिखना है ठीक है सबसे पहला अंडा वन जिसका था उसको मिला र... रिबनी छिच्छी ठीक है उसके बाद आते हैं अगले वाले पे अगला वाला है स्पार्केट ठीक है सेकंड वाले को भी कुछ खास नहीं मिला थर्ड वाले को मिला है छिची गुमोस इसकी तो किस्मत ही गंदी है भाई फोर्थ वाले को मिला है गोरी रैड नॉट बैड चलो देखते हैं भाई फिफ्थ वाला जैक का अंडा ये है स्पार्केट स्पार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाऊंगा चार्ज पार्केट दिखा दूंगा तुम लोगों को मजाक से अभी ऊपर जाके चार्ज पार्केट दिखा दूंगा मैं तुम्हें मजाक सेट के बट यस yes, अभी हम लोगों को एक और चीज करनी थी जो कि ये हम लोगों को ना केक लगाना था उसमें क्या कहते हो तो उसे आ, बनाने के लिए क्योंकि हम लोगों को भाई बीच में ब्रीडिंग रीडिंग भी करते रहने चाहिए अच्छे उसके लिए एट है मेरा चलो देखते हैं ठीक है एट कोई बात नहीं गाइस तुम लोग चिट्ठी मत करना बस जैक की तरह मत बनना भाई ये हो गया भाई जिसने सिक्स सेलेक्ट करोगा एयरसॉक्स बहुत अच्छा पहल है ठीक है उसके बाद देखते हैं है सेवेंथ है लूप मून नॉट बैड नॉट बैड मून भी अच्छा पहल है थीके? अब तू बोला अब बोला बार बार चेंज मत करिए रॉबिन क्विल भाई रॉबिन क्विल नॉट बैड भाई देखो मेरी पहल लिस्ट में पहले से रॉबिन क्विल भाई बहुत पावरफुल पहल है अच्छे अच्छे पहल की छुट्टी छुड़ाता है नॉट बैड जैक नॉट बैड दो बार शूटिंग करने के बाद तीसरी बारी तेरा हाथ अच्छा पड़ा और देखते हैं गाइस जिसने आठवा सॉरी नवा नाइन्थ जिसने सेलेक्ट करा होगा उसको देखते हैं लेट्स सी नॉक्स ठीक है मतलब ठीक है और टेंथ पे जाते हैं टेंथ में मिला है मैं ओ कॉगनीटो बहुत ही बेकार ठीक है मतलब अच्छा पहले बट इतना कुछ क्रेजी पहल नहीं है ठीक है इलेवेंथ पे जाते हैं सी क्या किस्मत है इलेवंथ वालों की कॉगनीटो और ट्वेल्थ वाले की किस्मत में है पॉमटी नहीं ठीक है लूप मून लूप मून नॉट बैड भाई ठीक है कागनीटो मेरे को इतना पसंद नहीं है बट कागनीटो से फाइट करना एक्चुअली टफ है ठीक है मानना पड़ेगा कागनीटो से लड़ने में दिक्कत तो बहुत होती है भाई और अभी हम लोग जितने भी अंडे हैं ना वो देखो इतना भारी हो चुका है कि अंडे नहीं रखे जा रहे हैं बट भाई को लगाने सारे अंडे हैं खुद से चलो हम लोग भी इस साइड से काम करते ना लगा देते अंडे क्योंकि इससे ना एक्सपी एक्सपी बहुत मिलता है तुम लोग देखो ना मेरा लेवल ऑलरेडी लाइक थर्टी फाइव हो चुका है हम लोग ने बहुत ग्राइंड करा है बाय द वे ठीक है ऑफ ऑफ कैमरा भी तो उसकी वजह से हम लोगों का लेवल हाई हो रहा है बट येस हम लोगों ने काफी ज़्यादा चल जाकू ये इस देखो ये वाला तो छोड़ दिया तूने अच्छा लगा दिए क्या नहीं ना हाँ ये ले ठीक है चलो सबके अंदर अंडे लगा दिए हम लोगों ने वापस छोड़ देते हैं ये दो अंडे अभी हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा काम करना है ये देख रहे हो हम लोग को आज ये वाला पैल पकड़ना है कैसे भी ये वॉर सेक ठीक है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पैल है इंसेक्ट टाइप में मतलब ग्रास टाइप में बेसिकली बट हम लोगों को इसको पकड़ना है कैसे भी आई थिंक हम लोगों को फायर टाइप पैल लेके जाना चाहिए बट उससे पहले हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है काज वो है अपना वर्ल्ड अपग्रेड यस yes, सर इट इस टाइम कि हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर जाकू। चलो जैक को दूरी रखते हैं ठीक है इससे जैक को नहीं बताते ठीक है मजा आ जाएगा हम पावरफुल बन जाएंगे जैक ऐसे रह जाएगा <laughs> शक्ल से भी वैसे दिखता है। चलो एक मिनट है ये ज़रा ये यार ये पेड़ उग जाते हैं ना यहाँ पे ये हमारे बीच में आ जाते हैं यार जैक ना अरे सॉरी सॉरी जैक को लग क्या गलती से चलो अभी हम लोगों को क्या बनानी गाइज हम लोगों को बनानी है वेपन वर्क बेंच ठीक है अरे यार एक तो ये बहुत गलत जगह बना दिया हम लोगों ने यहाँ पर ना वर्णा सीधे लाइन से एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें बनाते भी यहाँ पर भी हम लोगों ने एक गलती कर दी है ये रख दिया है हम लोगों ने रुको वेपन वर्क बेंच अगर हम लोग इसके ऊपर बना पाए तो ये देखो भाई <laughs> कर दूँ उल्टा काम जैक लगा दूँ बता इसके ऊपर हैं हाँ बोल दे बस कहाँ लगाऊँ फिर कहाँ से बनाऊँ बता इसको ऐसे कर दूँ क्या लेकिन फिर ये ऐसे हो जाएगा देख ऐसे करूँ कैसा लग रहा है अरे भाई यार बनवाना थोड़ी ना था पहले तो पूछ रहा था मैं चलो कोई नहीं हम लोग ऐसे ही करते हैं ठीक है यहां पर हम लोग इसको ऐसे करके बना देते हैं ठीक है ये अभी अपने देखो मेडिसिनल भी हम लोग ले पा रहे हैं और यहीं से वर्क बेंच भी आ चुकी है बाई वाली वर्क बेंच सबसे पहले टेक्नोलॉजी में जाएंगे टेक्नोलॉजी में हम लोग सबसे पहली गन कौन सी बना सकते हैं मुस्कैट मुस्कैट यस सर और मुस्कैट क्या रुको जरा एक मिनट गाइस पैल पैल बॉक्स भी तो अपग्रेड तू बेटे ढंग से रह ले तू तेरे को मैं बता रहा हूँ भाई बदतमीज कहीं का डिप्लॉय टू द देश बैड ओ भाई साहब हम लोग फ्लफी पैल बेड बना सकते रुको भाई ये तो बेस्ट चीज है गाइज कहने का मतलब देखो अभी हमारे जो पैल है ना वो सोते होते थोड़े तो तो ढंग से है बट यार फ्लफी पैल बेड में ना थोड़ा और अच्छे से सो पाएंगे समझ रहे हो तुम लोग एक बार देखते हैं हम लोग इसको कितना बना सकते हैं आराम से बना सकते हैं भाई हम लोग फ्लफी पैल बेड थोड़े नेल्स कम पड़ जाएंगे हमारे पास तो एक काम करते हैं ना नेल्स बनाने के लिए रख देते हैं अभी के लिए भाई ये एनुबिस ऐसी खड़ा ही रहता है क्या पूरा दिन ठीक है हम लोग एक काम करते हैं यार ट्वेंटी वन के नेल्स बनाने रख देते हैं और एनुबिस को लगाते हैं इसमें ताकि एनुबिस फटाफट काम देखो ये देखो ये इतना धीरे काम कर रहा है और एनुबिस को लगाती देखो रेडी तो कर ले भाई एनूबिस को लगाती देखो रेडी अबे यार तो उठना भाई यहाँ से ये देखो रेडी अबे एनुबिस भाई यार खाना इसको काम में लगाया खाना खाने लग गया है वहां पे अबे खाने दे उसको भाई क्या बोल रहे इतना डंडी पर सोने दो इन्हें डंडी पे सोने दो भूखा ये देखो इसको देख रहे हो डंडी पे सोने दो भूखा बल बदतमीज कहीं का वो देखो उसको खिला रहा है अपनी बारी में खिला रहा है इसको और मेरे से कह रहा है डंडी में सो भाई इसको देखो कितनी तेज बनाता है ये भाई ये अनुबिश तो अलग ही बंदा है भाई जादूगर ये जादूगर ऐसा कर जैक के मुंह में मार दे पाद। मेरे जैसा है है ना गैल्स चलना है यहाँ से भाई चलो हम लोग बनाते हैं मुस्केट दो मुस्कैट बनाएंगे हम लोग <laughs> जी यार मस्केट का मुस्कट बोलने वाले भाई आ जा, जा जा, को आ जा इसको भी लगा इसको भी लगा काम पे कहाँ जा रहा है काम भाग रहा, भाग रहा इसको हटा भाई इसको यहाँ पे काम पे लगाओ थोड़ी देर ठीक है चल लगाते लगा ते -ते चला नाइस है ये भाई यार मैं मजाक नहीं करूंगा यार अनुभित सच्ची में जादूगर पोखी मैं उन्हें यार उसको देखो ना कितनी तेज काम कर रहा है भाई वो चल जा उठा ले ये मस्केट उठा ले तू अपने ले चल ओ काम करे भाई मेरी बारी में अब भाई काम तो कर कम से कम कैसा बदतमीज होगा देख रहा हूं अपना गन उठाई और चलता बना तो हमारी मस्केट रेडी हो चुकी है गाइस ठीक है चलो अभी हम लोग अभी के लिए मस्केट को रख देंगे क्रॉसबो की जगह तो नहीं रखने वाला मैं क्योंकि मस्केट क्या पता ओरे भाई सॉफ्ट आओ देखे गाइस डैमेज कितना जय कहा जा खड़े हो जा आजा टारगेट प्रैक्टिस करते आजा तू मेरे पर ट्राई करना मैं तेरे पर ट्राई करूंगा ठीक है चल खड़े हो जा यहाँ को देख यहां को देख अरे भाई पंद्रह सौ का डैमेज व्हाट तेरे को लगी

अच्छा ये ये भी सही है यार 444 अब देखते हैं ठीक है एक पैल को कितना डैमेज होगा इससे बूम ओम सोलह सो और ये दिखने की कूल है भाई गन व्हाट भैया आपको लगी नहीं मेरे को नहीं लगी कुछ तो सर्वर में ग्लिच हो रहे हैं यार आजकल पता नहीं क्या चल रहा है भाई सर्वर ग्लिच है वरना जैक को मैं मार पाता मैं जैक को मार नहीं पा रहा हूँ बट कोई बात नहीं चलता है इतना तो यार कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं यार बेचारे को किस्मत होगी उसकी किस्मत बचा रही है उसको अब क्या बोलूँ ठीक है चलो अभी हम लोगों ने अपनी गन बना ली बट हम लोगों को एक और टाइप की गन बनानी थी बट वो एक काम करते ना इसको पहले वॉट्स को हरा के आते हैं फिर देखते हैं अगर बाई चांस नहीं हो पाएगा तब हम लोग दूसरी वाली गन भी बनाएंगे बट अभी के लिए हम लोगों को जो मेन चीज करनी थी गाइज वो कर लेते हैं हम लोगों को जितने भी बेड है ना शॉडी बेड्स शॉडी बेड्स को तोड़ के सारे के सारे बढ़िया वाले बेड्स बनाने ठीक है चलो ठीक है जैक चाहे कुछ भी बोले भाई कि इनको मत दो ये वो इसको उल्टा इसको नहीं दूंगा मैं बैट अगर इसने ऐसी बदतमीजी करी तो ठीक है ये वाला भी हमें तोड़ना पड़ेगा गाइज यहाँ पर भी हम लोग एक शॉडी बेड बनाएंगे ठीक है हट जा भाई हट जा जाएक्स हट जा वहां से भैया ओ भैया हटेगा नहीं हटेगा बताओ अभी बांदर कहीं का तमीज नहीं है डॉगी टाइप पैल <laughs> देखो जहां को जा रहा हूँ वहीं को हिल जा रहा है फिर उसके बाद वहीं को नहीं बन पा रही है ठीक है तो हम लोगों को क्या करना है आप देखो चारों तरफ ना ये वाले बेड्स लगा देने इन लोगों के लिए एक तो मेरी इन्वेंट्री में इतना सामान आ गया ना इनकी वजह से बस अब मैं हिल पा रहा हूँ अरे भाई हट जाना यार इसका। क्या कर है ना खा रहे, ना काम कर रहे रहे हैं हैं पे ना ना खा काम को जितने भाई यार तुझे दो सेकंड नहीं हो रहे थे क्या अभी खाना खाते हुए रुक जाना थोड़ा खद्दू जैसा कितना खाएगा पता नहीं कितने हो गए गाइस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ओके दस ही हुए से ग्यारहवा आ जाएगा यहाँ पर और बारवा आ जाएगा जहाँ पर खड़े होके खा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर ये दूर हो के खाएँ तो मैं कर पाऊँ काम चल खा ले भाई इसको देखो ऐसा खाता है जैसे इसको पता नहीं जिंदगी भर नहीं मिला होगा भाई कैसे खाता है ये पेनकिंग भाई को सच्ची में देख के डर लगता है भाई इसको ऐसा लगता है पूरी जिंदगी भर खाना नहीं मिला होगा भाई को चलो आ जाओ भाई आ जाओ बनाने में लगो बनाने में लगो सारे आओ सारे आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे ठीक है ये पूरा का पूरा हो गया गाइज अपने कितने तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अपने पास बारह के बारह बैड्स हो चुके हैं अब हम लोग एक बारवा पैल भी यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग दोबारा से डाल देते हैं किसको हम किसको डाल सकते हैं गाइज आज तो हम लोग ने बहुत सारे पैल्स निकाले हैं भाई देवे ठीक है बहुत सारे आ, हम लोग किसको डाल सकते हैं ये क्या करेगा लकड़ी तोड़ेगा ना हमें लकड़ी तोड़ने वाला बंदा चाहिए था एक्चुअली तो हम लोग मेमो डाल देते हैं और इस मेमो को उठा के यहाँ से चल मेरे साथ भाई एक हाथ में मेमोरीस्ट उतारते हुए देखा तुमने किसी को भी उल्टा कर दिया भाई मेमोरीस्ट को पूरा ये ले इसके साथ काम पे लग यहाँ चल।, चल काम पे लग अबे यार भाई ये क्या बदतमीजी है यार ये क्या करना चाह रहे हैं और ये भाई ये क्या बना दिया तूने यहाँ सेंटर पे ये देखो इसको कुछ काम का ना काज का भाई पता नहीं क्या काम बनाते रहता है पता नहीं की हाँ बस एक मस्त चीज बनाओ यही बना रहा होगा ना तू बस मस्त चीज चलो अभी अपना काम इतना सारा हो चुका है गाइज अभी हमारे पास गन भी आ चुकी है आई थिंक वी आर रेडी टू टेक हिम ऑन बट हम लोगों को एक और चीज़ बनानी देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा मस्त पैल मिला है ठीक है बट उसके साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है और वो छोटी मोटी ओ यार एक मिनट ये क्या है क्लोज रेंज वेपन दैट सेंड्स आउट एन इलेक्ट्रिक जॉल्ट अपॉन कॉन्टैक्ट पैल्स आर इजी टू कैप्चर व्हेन इलेक्ट्रिक रिक्वायर्स हाई क्वालिटी वर्क बेंच टू क्राफ्ट ये तो हम ऐसी बना लेंगे बट इसकी आई डोंट थिंक सो so, हमें इतनी ज़्यादा नीड पड़ने वाली है भाई गन भाई साहब बना सकते हैं हम वॉट भाई हम तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं एक्चुअली बट हम लोगों को जो चीज़ बनानी है गाइज वो है आ, ये ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या चीज़ है भाई भैया पैल बॉक्स अपग्रेड आ, आ गया आगे दोबारा से मैं कर देता हूँ थैंक यू यार जैक बताने के लिए तू बैठे पिट जाएगा मेरा ले सतरा सौ कट है भाई कैसा चोर आदमियों का बताने आ रहा है अलग से और उसके बाद चुपचाप कर ले रहा है अलग से भाई बदतमीज कहीं का अभी देखो एक चीज गलत हो गई बस हम लोगों का पैल बॉक्स अपग्रेड आ गया ना तो अब हम लोगों को दोबारा से एक और शॉडी बैड शॉडी बैड नहीं ये तो मखमली बैड है भाई हम लोगों को एक और मखमली बैड बनाना ओ नाइस ऐसे लगा सकते यार यहाँ पर लग जाता कितना मजा आता है ना

सीमेंट कैसे बनेगा बोन पैल फ्लूड और स्टोन से चलो ये तो डुएबल है ये तो अपने पास सब कुछ पड़ा हुआ है तो हम लोगों को एक काम करते हैं दस सीमेंट बनाने रख देते हैं ठीक है ठीके? सीधा अपना ज्यादा सामान जा नहीं रहे आज एनुबिस आ जाए भाई यार एनुबिस लव यू यार अरे भाई साहब एनुबिस भी कितना टाइम ले रहा है देख रहे हो वॉट ओ भाई साहब भाई सीमेंट तो बहुत खतरनाक चीज है फिर अगर एनुबिस को भी इतना टाइम लग रहा है तो भाई जैकू वापस दे तो सीमेंट भाई तेरी इन्वेंट्री में देखो चल भी नहीं पा रहा है इतनी इन्वेंट्री भर ली है बट भाई को सब चाहिए बदतमीज बंदर कहीं का चलो ठीक है ये भी हो गया अपने पास सीमेंट हो गया अब हम लोग ये वाला फर्नेस बना सकते हैं और ये फर्नेस इतना तो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं तुम लोगों को अब समझाता हूँ ठीक है सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं यहाँ से ठीक है और हम लोग ये फर्नेस को इन दोनों के बीच में लगा पाए तो मज़ा आ जाएगा देयर वी गो ठीक है अभी सारे के सारे पैल इसको लग जाए बना और भाई साहब कितने भाई कितना तेज काम करते हैं सारे पैल साथ में आते तो जेनवनली देख के मजा आ जाता है भाई एक ही काम चोर है बस यहाँ पे इस जगह में ना पूरी जगह में एक ही काम चोर है बस कौन होगा वो ये है वो काम चोर आप न्यू मैडम से मिले माय न्यू फ्रेंड मतलब ये देखो हमें ये बनाने का इसके लिए हमें कोल चाहिए होगा बट कोल कहाँ से लाऊ मैं यार ये गेम में यही चीज़ है कुछ चीज चाहिए होती तो मैं कुछ चाहिए होगा उसके बाद कोल कैसे लाया जाए अब कोल का पत्थर होता है भैया उससे तोड़ते हैं तो इसका मतलब हम लोगों को कोल लेके आना पड़ेगा उसके लिए ओ माई गॉड भाई ये तो बहुत ज्यादा टफ हो गया यार एंड यूजिंग अ कोल रिफाइंड फ्रॉम ओर यूजिंग अ कोल अब हमारे पास कोल तो है नहीं हमारे पास चार कोल बहुत सारा है बट हमारे पास नॉर्मल कोल नहीं है तो हम लोगों को देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हम लोग क्या बनाने की सोच रहे हैं हम लोग बनाने की सोच रहे हैं ये भाई ये पैल बहुत ज्यादा खूबसूरत है शायद से जैक की इन्वेंट्री में भी होगा रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें बट उससे पहले ना मैं तुम्हें दिखा दूँ ये हम लोग ये बनाने की ट्राई कर रहे हैं हेल्ज आइफर सैडल भाई हमारा जो अभी का वो है ना जो फ्लाइंग टाइप पैल है वो बहुत पावरफुल है बट ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है और प्लस ये फायर टाइप भी है तो दो काम एक साथ कर देगा हमारे तो वही चीज़ का है मेरे को कि कैसे ना कैसे करके हो जाए बट थर्टी रिफाइंड इंगेड चाहिए और उसके लिए हमें कोल चाहिए होगा तो हम लोग को अब कोल के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा यार भाई और मेरे को एक और चीज़ चाहिए थी जो कि थी ये मैगा देखो <laughs> मेगा ग्रैपलिंग गन कैसे बनाई जाए ये देर वी गो मेगा 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 ये रही भाई ये वाली क्योंकि बहुत बेकार है जैक दो बनवा रहा हूँ तेरे लिए भी मेरे लिए भी ठीक है आजा हाथ लगा दे इसमें कहाँ गया वो काम चोर क्या बनवा रहा होगा ये वहाँ अच्छा ये भाई को चेस्ट बनवाने मैं वहाँ काम की चीज कर रहा हूँ उसमें नहीं करना इसने आमो आमो क्या आमो आमो क्या कहाँ बुला रहा है ये अरे भाई साहब भाई आराम से करो यार काम थोड़ा क्या अरे ये क्या भाई ये क्या चीज है वट ये क्या बना रहे जैक अबे तोड़ दिया ले अबे कोल कोलमाइन है क्या है गलत हो गया मतलब क्या था वो कोलमाइन थी क्या था वो क्या बना रहा है ये बंदा वो भाई साहब ये कोल माइन है मेरे को लग... भाई जैक पहली बार कुछ काम की चीज बना रहे है भाई लेट्स गो सरप्राइज लेट्स गो गाइस। भाई मैं सोच रहा था कब कोल आएगा कब हम उसका सैडल बनाएंगे भाई लेकिन जैक ने काम आसान कर दिया भाई ये आई हमारी कोल माइन इन फाइव फोर थ्री अरे कौन चले गया भाई नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन Colma. ले ले आया मजा है बीच में बनाते हैं इसे तेरे ना मैं ऐसा मारूंगा ना बीच में बन गया अगर ये फालतू की चीज़ अच्छा खासा एटलीस्ट और तो मिल रहा है यहाँ पे क्या पता नहीं क्या फालतू की चीज़ें बनाते हैं चुपचाप होने चल भाई रुको यार एक मिनट एटलीस्ट एक जने के लिए तो ग्रैपलिंग गन बनी है ना तो मैं तो लूँ वो चलो ये फालतू वाली मैं हटा देता हूँ अभी के लिए ये ग्रैपलिंग गन को हम लोग यहाँ फेंक देते हैं और ये वाली यूज़ करते हैं भाई ये मोस्ट ऑफ्ली गाइस और भी ज़्यादा दूर तक का जाएगी तुम समझ रहे हो ये वाली ग्रैपलिंग गन बहुत सही चीज है ये आई होप मतलब अभी पता नहीं यूज नहीं करी है जैकू एंड फ्लम टू मैंशन यस सर जैक आजा भाई तेरे को सोना नहीं है क्या भाई ये कैसा बंदा है यार नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं मानेगा नहीं मानेगा तू है भाई इसका रिलोड टाइम बहुत ज्यादा है बटा मस्केट का बट वही है कि फिर पावर भी ऐसी दे रही है भाई 1600 का डैमेज दे रही है एक बारी में मानना पड़ेगा भाई देखते हैं एक बार चल जाएगा जल्दी सो जा सोचा तू चोर कहीं के ले। काम हो रहा है कहने को मेरा थोड़ा सा बचा हुआ बेड भी था वो भी तोड़ दिया इसने चोर कहीं का भाई वैसे इतना गंदा था मैंने ना वो ये क्या बना रहे भाई अब मेरे लिए भी अपने जैसा बेड बना दिया कहीं तूने यार तू तो बड़ा क्यूटी है यार जैकू क्यूटी तो है तू तो पैल कैनोट भी असाइंड करके बना भी रहा था वो एक अपना पैल और छोड़ देता था जल्दी नहीं जाता काम थोड़ा चलो दोस्तों फाइनली अब हम लोगों को भाई वो उसमें बेड में नहीं सोना पड़ेगा तो अब हम लोग अपने नए ओए तेरे टॉयलेट करे हुए बिस्तर में नहीं जा रहा हूँ मैं जल्दी उठी यहाँ से यहाँ पे जा सोम जामो भाई यार कैसा आदमी है भाई यार पता नहीं नई चीज़ बनाएगा खुद ही ले लेगा चलो कोई ना झाड़ी वाले बेड में सोने से तो अच्छा ही है लेकिन फिर इसकी कल उस पर सुस् कर दी थी मैंने देख रहा हूँ मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए कुछ कर रहा होता है और फिर भाई क्या कर रहा होता है तुम देख लो और ये क्या है भाई विकसन भाई जादू करनी है तो चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस देखो ये बना बनाई रहे इसमें थोड़ी सी हेल्प करते हैं जय केले लिए बना रहा है ये नीचे वो देखो वो देखो उसको कैसा उल्टे उल्टे काम देखो वहां वर्ल्ड किसी को खराब करेगा ना यही होगा भाई ये हो ये, ये, ना ये ये चोर जैसी सकल का ये पूरा भाई मस्ती खोरी वो क्या है वो किस काम का एस्थेटिक हाँ वही क्या काम करेगा वो एस्थेटिक या तो वो पैल्स का सेंस कम कर रहा हो या फिर कुछ कम कर रहा हो मतलब कम नहीं कर रहा हो बढ़ा रहा हो मैं नहाँगा उसमें हाँ बस तेरे नहाने के लिए तो चाहिए था ना हमें न तू नहाएगा उसमें वह है तो बढ़िया यार जो भी बोले दिखने का तो बड़ा मस्त है यार अब हो गया ना तेरी वो भी गन भी बन गए ना बहुत दूर तक तो खींच दे रही यार मैं गन तो नॉट बैड यार चलो गाइस अभी अपनी गन्स बन चुकी हैं सब कुछ बन चुका है आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ कि हम लोग जाएँ और इस वॉस एक्ट को भाई सबक सिखाएं कहाँ गया वो वॉर्स एक्ट ये रहा भाई हम लोग वार्स एक्ट को भाई देव पकड़ के लेके आना है मेरे पास पड़ी है गीगा स्पेयर ढेर सारे पड़े हुए हैं ठीक है चलो हो जाए जैकू आ चल हमारे अंडे भी तब तक बच जाएंगे राउंड टू करेंगे हम लोग जहां पर देखेंगे तुम्हारा लग कितना भाई तू <laughs> क्या बंदा है भाई यार बार बार उसको तोड़ रहा है बना रहा है तोड़ रहा है बना रहा है पता नहीं क्या करेगा उसके साथ चलो दोस्तों दोबारा से बना दिया है भाई के लिए एक और एक मिनट यार इसमें पैल भी जा सकते हैं क्या रुकना जरा ओ हाँ यार पैल विल टेक अ ब्रेक नॉट बैड यार अबे ब्रीडिंग फार्म नहीं भाई ब्रीडिंग अरे अरे पैन किंग को ब्रीडिंग फार्म में थोड़ना छोड़ना था यार हमने रुका नहीं जाता ये देखो इसको ये देख रहे हो ये देख रहे हो का केक बनाया वैसे हम लोग ब्रीडिंग ले। चलो केक में टाइम है आ जा चल हम लोग निकलते हैं कितना दूर है वो वॉर सेक्टर अगर बहुत दूर है तो हाँ बहुत ही दूर है यार उसको उन्हें पे चल आ जा फास्ट ट्रैवल करके चलते हैं उसके पास चलो गाइस इट इज टाइम ठीक है हम लोग जाके वॉर सेक्ट की पुंगी बजा के आएंगे तुम देखो बस आ, अबे यार एक तो यहाँ पे गॉफिन भी घूमते ना गाइज बहुत पावरफुल है एंड आई थिंक दे आर द राइट थिंग टू टेस्ट ऑन आर लाइक आर मस्केट ऑन तो इनके ऊपर टेस्ट करते हैं बूम आठ सौ का डैमेज भाई वॉट ये ले ज़्यादा मस्ती मेरे से अबे यार भाई कैसे बंदे हैं यार ये ले एक एचपी में भी नहीं पकड़ा जा रहा है तुम देख रहे हो उसको ओ यहाँ पे केव भी है नॉट बैड यार फिर निकल गया भाई ये क्या बंदे हैं इतने लुल्स हैं ये और भाई के उसमें भी नहीं आ रहे देख रहे हो भाई मैं तो इधर से निकल रहा हूँ इससे पहले कि ये लोग हमारी पुंगी बजा दे मुझे पकड़ना है उसको ये यहाँ पर क्या करेंगे ना इस ये हमारे ऊपर पूरा गैंग वैंग कर देंगे जैक भाग वहाँ से भाई बहुत ज़्यादा हो गए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खैर एक कैटरेस छोड़ के तो पूरे डेढ़ हैं बट चलो अभी हम लोगों को जो मेन काम करना था ना वो करते हैं कुछ ज़रा वो गया भाई बार देखूं, एक बार ये कितना दूर तक तो करता है इतना दूर पकड़ेगा ये नहीं ना ये थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गया यार इसके लिए भी और भाई सॉफ बट फिर भी यार ऑलमोस्ट पकड़ लिया था और ये रिचार्ज भी जल्दी हो रहा है गैस। चलो चल जाकर आ जा हो जाएगा इस अभी हम लोग जा रहे हैं वॉर एक्ट को पकड़ने के लिए हो जाए चल जाकर एंटर कर दे भाई मैंने देखा भी नहीं वोट भाई ये क्या दिखने का पहला रुको अब ये कुछ कर नहीं रहे ना तो हम लोग खा लेते जो अबे तू भाई यार रुको मैं निकालूंगा बूसी भाई को ठीक है बूसी भाई hey. मार साले को अब देखो भाई बूसी के कारनामे ले भाई भाई 2500 एचपी हो गया तिल्ली ये ले अबे का डैमेज इसको तो गन से कुछ होता ही नहीं आई थिंक इसकी वो चमड़ी बहुत टाइट है भाई ये वो बंदा है ना तुम्हारा बीटल है ये एक तरह से और बीटल तुम्हें पता ही है भाई उनकी स्किन कितनी हार्ड होती है तो हम लोग एक काम करते हैं गन का वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर क्योंकि एमओ का थोड़ा सा बीटी हो जाएगा बाद में हमारे पास गन पाउडर का भी ज़्यादा काम नहीं है तो अभी हम लोग इसको एरोज से ही मारते हैं चल मार इसको बूशी दिखा दे इसको कौन है तू भाई बूशी का एक अटैक देखना कैसे जाएगा देखना ये देखो अरे सिक्सटी सेवन का अटैक है बस अरे यार जो मेन मेन बॉस होता है सो पाँच सौ पाँच सौ का डैमेज करता है बूशी बाई वे ठीक है और हमारे फायर टाइप है ना लाइक कैटरेस भी एक तरह से डार्क टाइप है बट डार्क और फायर मारती है तो बहुत काम आ जाती है बट भूसी तो देखो भाई तुम लोग भूसी पूरा फायर भूसी को खा गया भाई वो बंदा व्हाट ओके भूसी दोबारा से दोबारा से हो जाए और बार अटैक चल भाई ब्रांडिश करता है पूरी स्वॉर्ड को अपनी देख हो भाई हो ही गया ऑलमोस्ट हो गया है। जैकू अंदर रखने के लिए रेडी रहना अभी नहीं ट्वेंटी का डैमेज दे रहे ना हंड्रेड आते कर देंगे अंदर इसको ठीक है भाई कर दे अंदर कर दे गेस है ना कर दे अंदर कर दे अंदर कर दे पता चला मर गया भाई मर गया तो हमें ज्यादा नुकसान होगा भाई हम लोगों को वॉट्सएक पकड़ना है कैसे भी तेरे पास वो है ना रिंग है ना तेरे पास मर्सी वाली अरे भाई ये क्या भाई क्या पॉइजन वन फ रहा है प्रॉपर ओके एक दो और शॉट आई गेस चल जाकू एक और मार तेरे पास अगर है तो नहीं है तो मत मारना बढ़िया 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 अब पकड़ो गाइज़ इस इसको ठीक है अब देखते हैं किसकी किस्मत में आता है जैक तो मेरे को ही दे रहा है कि जैक कह रहा है कि ले लो यार भैया चलो यार ले लो यार चलो तू क्या देगा बे खुद ले लूंगा मैं एंशियंट सिविलाइज्ड पार्ट 3 मिले हम लोगों को क्यूटीज के लिए प्रेशियस प्लूम 4 मिले हनी 4 मिला हम लोगों को नॉट बैड यार वार्स तो भाई थर्टी लेवल का वॉरस एक्ट हम लोगों ने डायरेक्टली पकड़ा है जैक मैं तो कह रहा हूँ पता है क्या हम लोग के पास अब गन आई गई है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रही है मेरे को तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं पता है इससे क्या आ जाए मेरे साथ आ यहाँ चलते ऊपर मैंने ना ऊपर कुछ तो देखा था भाई यहाँ पर एक केव जैसी थी भाई हम लोगों ने लिटरली वर्सैक को बहुत जल्दी पकड़ा है मेरे को लगा नहीं था इतनी जल्दी पकड़ लेंगे बट वही फिर अपन लोग 35 लेवल के भी तो हो चुके हैं यार और अपने पैल्स भी देख रहे हो कितना ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं भाई 34 हो चुका है अपना पैनकिंग और सारे पैल्स ऑलमोस्ट और एक और लेवल बढ़ने के लिए रेडी हैं चल आ जा आ जा जा केव में चलते हैं यार हम लोगों को बस गाइस कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है कि क्या कहते से हम लोगों को कोल कहाँ पे मिलेगा अगर तुम लोगों को कुछ भी आइडिया है तो ठीक है वैसे मेरे को पता है शायद से हाँ कोल वहाँ पर मिल जाए पूरे तो लेवल की कैटरेस हमारा वेट करिए खड़े होके भाई अरे तो चलना यार भाई ये लैट्रेस होगी घर पर चलो माइ ये देखो इस वाले पहल की बात कर रहा था मैं जैक जो बता रहा था ना मतलब जो हम लोगों को जिसके लिए सैडल बनाने भाई कितना तो क्रेजी फायर पहल है भाई ये ही लेते हैं मिल ही रहे तो <laughs> फ्री का कौन छोड़ेगा कैटरेस भाई यार लिटरली घूमती फिरती कैटरेस मिलेगी घर पे लगा देंगे काम पे ये क्या है कार्वेन मशरूम ओ भाई साहब यहाँ ये तो देखो जैक देख रहा है अरे भाई साहब ये पैलेडियम का फ्रेगमेंट इतना बड़ा भाई बाहर इतना छोटा सा मिलता है और ये क्या है वही तो नहीं है सल्फर जाके सल्फर है नहीं सल्फर नहीं और, है, और है, मेरे को लगा सल्फर है भाई अबे तू तो भाई ये रुको जरा ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ तुम्हें बताऊं ये देखो तुम अभी ये तो दीवार के अंदर ही चले गया भाई बाहर आ पाएगा तू आज भाई वो सल्फर होता तो हम गन पाउडर बना लेते उसका नहीं ये तो मार ही दिया उसने जैक उसको लग रही है क्या लग ही नहीं रही उसको ये अब भाई तेरा पहल मुझे मार रहा है जैक। चलो हम लोग आगे को जाते हैं छोड़ उसको यार वो दीवार में फंस गया बेचारा ये गेम में ग्लिचेस तो हैं अभी अबे ग्रीन यार ये तो कहीं तो देखी है मैंने भाई अरे भाई साहब क्या पहल है ये जैक वापस बुला ले वापस बुला ले छोड़ छोड़ मर जाएगी मर जाएगी इसको तो हम ही कर लेंगे भाई ये क्या दिखने की पहल है भाई देखो इसको जरा वो आजा प्लीज़ भाई वो मेरे ऊपर अटैक लॉन्च कर यार ये लैग क्यों कर रहा है इतना अटैक क्यों रहा है मेरा गेम वो मेरे ऊपर अटैक लॉन्च कर रही थी वैसे प्रॉपरली ये गेम में अभी काफ़ी ज़्यादा काम होना और बाकी है पता तुम्हें ये और है कि सल्फर आई थिंक और है सल्फर थोड़ा हरा हरा सा दिखता है राइट हम लोग को सल्फर चाहिए क्योंकि क्यों। ठीक है दोस्तों ये क्या है अबे रुक जाए इनको तो मैं ओ भाई 133 एक ही शॉट में तय अरे यार तेरे पहल फिर मुझे मारने लग गया भाई कुछ दुश्मनी है तेरे पैल को मेरे से तेरे को क्या मेरे तेरे पहल को क्या तुझसे तुझे ही है मुझसे दुश्मनी लग रहा है तभी मार रहे तेरे पहल भी मुझे भाई ये जगह कितनी ज़्यादा कूल है बट दिखने की भाई मजा ही आ जा रहा है यार देख के वो क्या है बी ग्रेड अबे ये तो भाई यार तुम बी ग्रेड हो सी ग्रेड हो तुम तो तुम्हें बता दूंगा मैं ढंग से यार ये नहीं ये नहीं वापस बासिस वापस ऑफिस ये फोड़ देंगी भाई ये बहुत ही गंदी है भाई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बीज ना फालतू यार अभी ही नहीं है गन <laughs> भाई यार तेरा पहल भाई यार मुझे ही मरवा दे तू यार इससे काम कर भाई अभी कितना बस ले भाई रॉबिन कुल खत्म कर यार इसको अच्छी मूड खराब कर रहा है मेरा आई डोंट थिंक सो गाइस हम लोगों को यहां पर आना था क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है भाई ये केब भी वैसी है वो जो हम पहली केव में नहीं गए थे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है जो पर यह क्या चीज है भाई इसको खोद के देखूंगा थोड़ा नहीं कुछ नहीं है भाई कुछ दिख भी तो नहीं रहा है यहाँ पे टॉर्च भी नहीं लाऊ मैं सो हॉरार वही ना अंधेरा है बिल्कुल केव में भाई मतलब केव है अंधेरा होना ही है बट रुको हम लोगों को मोस्ट ऑबली एक और रास्ता दिखा दिखाता हम लोगों ने दो में से एक रास्ता चुना था आई गेस हम लोगों ने गलत रास्ता चुन लिया था फिर अभी ये क्या है अच्छा जैक वो लेके आ गया अभी तक का दिखा देता टॉर्च मजे नहीं आए थे ले, 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 ले मतलब। तो छत्तीस लेवल का होके पड़ा हुआ देख रहे तुम लोग इसको आ जाओ उस साइड को गए थे हम लोग गाइज इस साइड नहीं गए थे ठीक है तो अब हम लोग इस साइड को करते हैं एक्सप्लोर आई थिंक यही जगह है पीछे पूरी लिफ्ट टिफ्ट जैसी बनी ओह लेफ्ट में कुछ है भी ऐफी जी ये क्या अलर्ट्स को भाई ये तो हमें बहुत जरूरी चाहिए गाई अरे नहीं है अच्छी ये कुछ तो मशरूम है बट ठीक है सब लेते हैं इससे होता है क्या कुछ होता है इससे मशरूम दैट ग्लोज कैन बी मेड इनटू हीलिंग मेडिसिन ओह मेडिसिन बन जाएगी इससे चलो ठीक है मतलब मेडिसिन भी खिला के क्या ही करना है को क्यों <laughs> चलो रॉबिन क्विल पत्ती निकाल दे इन लोगों की इसको देखो इसको देखो कितना चौड़ा हो रहा है ये देखो मार इसको जी जी भाई तू भाई हमें ही मार दे यार रॉबिन भाई यार एक तेरा पहले यार मेरे पीछे पड़े रहते है क्या नहीं ना चलो आई थिंक ऑल डन यहाँ से भी निकलते भाई पीछे से भी रास्ता है भाई देवी पर चमक यही रहे तो यहीं से चलते हैं भाई मेरी एच पी कम हो गई है काफ़ी मेरे अपने पहले ही मार दे रहे यार मुझे पीछे से देख रहे हो तुम लोग जयकुलाल क्या दिख रहा है वहाँ कुछ है यहाँ मतलब यार ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है थोड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा अरे भाई ये तो कुछ मेन इवेंट है हेल्थ बढ़ा लो वही वही अरे वाली बिल्ली है ग्रीन टेल अबे इसके लिए एचपी बढ़ाऊंगा तो फिर क्या ही फायदा है भाई मेरे गेम खेले का देखो देखो मेरे को बोल के अपना भाग रहा है देखो देखो सारे देखो चीटर को मेरे को बोल रहा है हेल्थ बढ़ा लो और अपना आगे भाग रहे ट्वेंटी नाइन है मतलब इज नॉट दैट मच यार मार भूसी yeah. बहुत बढ़िया भाई सौ का डैमेज देती है भूसी भाई मतलब देता है भूसी भाई ये लो अबे यार तेरे पैल भी तो मेरे पैल को ही मेरे पैल के पीछे बढ़ जाता हो बढ़िया भाई बढ़िया नाइनटीन हंड्रेड क्या कुत्ता बना रहे भाई हमारे पैल इनका देख रहे हो तुम लोग इजी ब्रदर इजी भाई उसको तो उड़ा उड़ा के फेंक रहे भाई अरे तो जाना रे ब्रांडिशर स्वर्ड ब्रदर इट इज टाइम भाई भूसी क्या कूल वो है यार पैर है भाई देख रहे हो कैसे जाता है खचिंग करके काट के आ जाता है हो रहा है हो रहा है भाई जी यार ये तो गया जैक आर, कितना डैमेज दे रहे हैं हम तेईस का ही डैमेज दे रहे हैं ना तो वही है फिर डेढ़ सौ के आसपास में वापस बुला लेंगे पैल्स को भाई ये मार तो गंदा रहा है बट अबे वो चले कहाँ गया पानी में अबे ये कौन सी भाई यार ओ वापस बुला भाई हमें पकड़ना है ये पैल कैसे भी भाई बहुत ही कम चांसेस है 19 तो इसने नहीं यार नो वे ब्रो ये ले आ आजा 20% चांसेस अगर नहीं आएगा तो एक और मारेंगे इसको 1 एचपी कर देंगे जी जी भाई कैसे नहीं आएगा हमने पकड़ा है कैसे नहीं आएगा जैक्यू ले इंशियंसीविलाइजेशन पार्ट प्रेशियस पैल्ड हाई क्वालिटी पैल ऑयल भाई लेट्स गो सामान तो दिया है इस बंदे ने भाई जो भी बोलो सामान तो दिया और असली सामान तो अभी अंदर होगा चले 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 ओ, ये, हम लोगों के पास दो दो यहाँ पे चेस्ट है लेट्स सी इसमें क्या मिलता है हम लोगों को ट्रेनिंग मैनुअल अटैक पेंडेंट ओ भाई साहब अटैक पेंडेंट करके कुछ मिला है पर कहा मिला है अच्छा की आइटम में होगा ना नहीं अटैक पेंडेंट रहा अटैक लेवल अपन आई एम गॉड आई एम किंग द सुप्रीम पावर ये देखो भाई ये देखो एक हेडसॉट लगाया ना यहीं से भी पटैक करके हाँ देखो कैसे भागा वैसे लगता तो बड़ा कूल है यहाँ पे यार और जयकूला बड़ा मस्त लग रहा था खड़ा हुआ नहीं <laughs> चलो भाई हम लोगों ने ये डंजन कंप्लीट कर दिया है भाई मानना तो पड़ेगा भाई ये हेल जाइफर बहुत क्रेजी पहले मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई ये नहीं आते हैं जैक इतने कम मैच में तो नहीं आएगा वो भाई ये जैक रुक जाए यार मेरे को समझ में आ गया जैक ने क्या कर रखा है इसने एक चीज़ कर रखी जो मैं गधा हूँ और मैंने नहीं कर रखी है रुको मैं बताता हूँ तुम लोगों को इसने क्या कर रखा है अच्छे और कहीं कहीं बहुत चंट है बेटे तो बहुत चंट है मैं बताता हूँ इस रुको बेस पे चलो अब मैं बताया तुम लोगों को इसने ऐसा क्या कर रखा है जो मैंने नहीं कर रखा है भाई ये बंदे ने अपना जो कैप्चर रेट है ना वो बहुत हाई कर रखा है तो सबसे पहले तो हम लोग ये भैया के पास चलते हैं ये भैया के पास देखो हमारा 44 फोर पड़ी हुई है तो सबसे पहले हम लोग उन्नीस एफी यूज़ करके जाएंगे भाई लेवल सिक्स और उसके बाद तेईस एफीजी और यूज़ करके जाएंगे लेवल सेवन इससे क्या होता है गाइस तुम्हारा कैप्चर रेट जो कैप्चर पावर है ना वो और बढ़ते जाता है तो जैसे तुम लोग नॉर्मल पैल्स को अभी नहीं पकड़ पा रहे मतलब हाई पैल्स को अभी नहीं पकड़ पा रहे हो तो ये जब ज़्यादा होते जाएगा तो तुम उतने ज़्यादा पकड़ पाओगे अब सत्ताईस सी अगले लेवल के लिए भाई वैसे भी एफ मिलना ही बहुत मुश्किल है बट फिर भी हम लोगों ने बहुत बड़ा मैप अभी तक का फाइंड आउट नहीं करा है तो मोस्ट ऑफली अपना लेवल टेन तो हम लोग कर ही देंगे लाइक अभी कितना है सेवन है एट नाइन टेन ठीक है तो तीन लेवल और जाने हैं हम लोगों ने तो हम लोग लेवल टेन तो कर ही देंगे कैसे ना कैसे रुको जरा ये लकड़ी लकड़ी को सारी साइड रख देता हूँ पहले तो ओ भाई हम लोगों को कुछ मिला भी यार बैलन और बेलनॉय स्लैब फ्रेगमेंट रुको इसको ना यहाँ पे रख देते हैं इसमें डाल देते हैं ठीक है और एक और चीज मिली भाई ये क्या चीज है एंशियंट टेक्निकल अ बुक दैट कंटेन्स लॉन्ग लॉस्ट सीक्रेट्स यूज टू ऑप्टेन एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स ओ मेरे को एंशियट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलेंगे इससे नॉट बैड यार पर अपना द ड्रैकुला कहाँ रह गया ये तो यही है पर कहाँ है जैक भैया हो गए मेरे गॉपफिन ओ oh, जी जी भाई नौ गॉपफिन पकड़ दिए भाई ने चलो अभी हम लोगों को क्या करना है गाइज वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी अब हम लोगों को भाई इसको पकड़ के लेके आना है कहाँ गया ये रहा भाई हम लोग इसके ऊपर बहुत टाइम से आए करते हैं थे सत्रह लेवल का है दो सेकंड का, का काम है हमारा सही बताओ तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है चल आराम करना है चलो ठीक है गाइज जैक आराम करेगा तब तो तक मैं हाई लेवल करके आ जाता हूँ अपना ठीक है तुम लोग टेंशन मत लो गाइज नहीं देखो कैसे बड़ा देख रहो देख रहा कैसे उठा एकदम से चोर कहीं का बहुत तेज है बहुत तेज थोड़ा भी नहीं है इसको तुम हल्के में ले लेते हो बस अबे सिंडिकेट रेड एक मिनट रुको भाई घर वापिस चलो अब हमारे घर पे रेड होगी जैक जैक तो निकला भी नहीं है वहां से भाई सिंडिकेट्स की रेड हो गई है हमारे पर कहा नकली रेड वो, वो, वो रहे वो देखो वहां से आ रहे एक मिनट मैं यहां से अपना पैल डाल सकता हूँ क्या वहां पर मजा आ जाएगा भाई मार इनको अबे मारना भाई उनको ओरे भाई साहब एक ही बारी में सबको लपेट दिया था बूसी ने अबे रॉबिन किल के उसकी वीडियो बनाने आया था क्या देख के चले गया मारो मार इनको ले भाई खत्म जी जी देखो, देखो देखो चोर को देखो कैसे सामान उठाने कैसे आ रहा है देख रहे हो सामान उठाने आ रहा है बस पीछे से फटाफट अबे इसको मारा नहीं किसी ने अभी तक मर गया, मर गया। तो चलो गाई अब सो के सीधे निकलते हैं भाई हम लोगों को एजूरिल को पकड़ना है बस कैसे भी भैया एक दिन यहाँ मेरा सौ लावल होगा और उस समय मेरा लेवल डेढ़ सौ होगा ये याद रखना तू वैसे इस गेम में पचास लेवल होते हैं आई गेस जहाँ तक मुझे पता है कोई टेक्नोलॉजी ट्री देख लेते हैं हाँ फिफ्टी लेवल होते हैं भाई फिफ्टी लेवल जाना है बस कैसे भी तुम लोग देख रहे हो कितना मस्त मस्त भाई ये कि इस वाले में टॉयलेट करता है फिर अगले वाले में सोता है फिर अगले वाले में टॉयलेट करता है फिर इस वाले में सोता है भाई तेरे तेरे के टॉयलेट में सोने के लिए बना मैं गीला था बदतमीज कहीं का चलो गाइस चलते हैं भाई सच्ची बताओ तो हम लोगों ने वो उसको भी केव को भी आराम से पार कर लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार चलो अब चलते ही हैं थोड़ा सा इसको पकड़ के लेके आते है एजू रोप को ठीक है ना ये हम लोग बहुत टाइम से आई कर रहे थे बट हम लोगों ने पकड़ी नहीं पकड़ी नहीं पकड़ी नहीं तो आज हम लोग इसको लेके ही आते हैं भाई चलो कहाँ को जाना हमने लेफ़्ट निकलना है ना हम लोगों ने ये क्या ऐसे क्या चल रहा है आप सही हुआ इस गेम में ग्लिचेस बहुत है बट फिर पता है गेम को खेलने में मज़ा बहुत आता है मतलब इन लोगों ने गेम अच्छा बनाया बट फिर वही है कि कम लोग हैं ना यार अभी के लिए तो उनसे जितना हो पाया उतना उन लोगों ने करा वाली चीज़ है फिर भी देख रहे हो कितना ज़्यादा मस्त गेम बना दिया अब तो खैर ये मल्टी बिलियन वाले और यार ये कह है चेस्ट ला, ला, ला चलो वही वहाँ पर एफी जी भी है सामने रुको एफ ई .E जी लेके आते है भाई भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुमने अभी देखा ना कैप्चर रेट कैसे बढ़ाता है ये अगर तुम लोगों के पास ढेर सारी एफ हुई तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये तो ही चाहिए ये देखो चोर कैसा है देख रहे चलो अब हम लोगों को पकड़ना है मैडम को हाँ सही जा रहे हम लोग चल मेरे चल मेरे वैन वन चल ओए धक्का मत यार बता रहा हूँ तेरे को अभी ओए बदतमीजी मत कर माने का और ये 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 देख देख कितनी खूबसूरत है भाई ये वॉट नॉट इनफ स्टेमिना ओके ओके कोई बात नहीं भाई ये कितनी खूबसूरत है भाई वॉट मेरी है अबे चलिए यहां से अब उसको कुछ हो ही नहीं रहा है अच्छा दूर हूं मैं वहां नाइटमेयर बॉल ले अरे भाई हुआ हुआ डैमेज तो हुआ है भाई भाई क्या दिखने की क्या पहल है ये भाई मजाक सेट के भाई लेकिन हम लोगों को अच्छा हम अपने पैल से उतर तो सकते हैं बट इतना सही तो है ये। अब इसके एक शॉट हेड शॉट लगाते डेढ़ सौ का इसको ना रिलोडिंग रिलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है भाई ये पैल पावरफुल भी है वाटर टाइप में आई थिंक मेरा पैनकिंग को हटा सकती है जिस हिसाब से मारिए बबल वाला अटैक बहुत पावरफुल है भाई तभी बहुत बढ़िया भाई मार तो रहे वैन वन इसको भाई कुत्ता बना रहे ओ भाई साहब दोनों साइड से फायर कर रही है बेचारी आप बुरा भी लग रहा है बट कोई ना सबको बारी बारी दे दिए थोड़ा थोड़ा हो। ले। चल जा मर जाएगी अब हैं अः आ भाई अब आ भाई। भाई कभी कभार डर लग जाता है भाई यार ऐसा क्या ग्लिच है तुमने देखा ना ऐसा लगा नहीं आई क्यों लेट्स गो गाइज ट ले का वो है आजा आ जाके भी आते हैं, आजा, आजा। इन लोगों ने पकड़ के रखा होगा इनको बताते हैं रुको। भाई दस लेवल के अब तुम्हें तुम देख पा रहे हो ना ये तैतीस लेवल के आ रहे हैं हम पेल मतलब तैतीस लेवल में ले खत्म रुको इन सबको जमा करते गए इन सबको जमा करते पहले ठीक है इन सबको पहले जमा करेंगे आने दो आने दो आने दो आने दो सारे साथ में और फिर ब्रेड स्पिरिट फायर ले नॉट इन स्टेमिना अच्छा ओके अब तो मार यार इनको छी भाई मूड खराब कर रखा है पूरा जैक तू इसको वो कर ले बचा ले भाई जैक मिनट यार जैक को क्यों भाई जैक के एक्सपी देख रहे हो तुम लोग ऑलरेडी छत्तीस का कैसा कैसा कितना खेल रखा मतलब है मैंने जबकि कितना खेला है अरे ये डायर ये राहुल बताऊ इसका भैया मैं एक ड्रैगन एग भी लाया था आई ये क्या हुआ लड़ाई हो गई है वापिस बुलाया इसको बुलाएगा ना वापिस ले फिर बुलाएगा वापिस भाई वो लग रहा है ड्रकारिस चल रहा है पे ये ले। <laughs> अब कहा भाग रहा है तू रुक जा बेटे अब कहा भाग रहा है जैकू तो भाग गया, गया <laughs> तो यार फाइनली हम लोगों ने पकड़ लिया वो पैल को जरा एक बार ना इसको उसमें लेके आते हैं यहाँ पे लेके आते हैं इसको हटा सकते हैं हम लोग ये कुछ वैसा कुछ खास काम नहीं करता है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किससे जो हमारी नई नई आई है मैमडम जिम इनसे चेंज कर देंगे ये देखो भाई क्या लगती है भाई लिटरली बहुत खूबसूरत पैल बनाया है ये मजाक से के भाई किसकी तरह लग रहा है पता है अगर सही बताओ पोगेमोन में अगर देखें तो ये लग रहा है बिल्कुल यह ड्रैगन आइट से पहले क्या बनता है ड्रैगन आइट से जस्ट पहले बनता है क्या तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को सच्ची में याद नहीं आ रहा है भाई जबकि मैं भाई इतने पोकेवन कार्ड सब कुछ पढ़े हैं उसके बट ड्रैगन आइट से जस्ट पहले बनता है वो ड्रैगन आइट से जस्ट पहले बनता है उससे पहले तो खैर वो अजीब सा होता है बट उसके बाद जो बीच में बनता है वो बहुत खूबसूरत होता है बिल्कुल ऐसा फिर वो ड्रैगन आइट ही बन जाता है तो मेरे को बताना कॉमेंट सेक्शन में अगर तुम लोगों को पता चल रहा है तो ये क्या करता है ये लकड़ी काटता है लकड़ी भी नहीं काटता है ये खाली घास लगाता है अबे चलना है यहां से भाई तेरे को रखूंगा मैं ठीक है ये हो गया हमारे पास और क्या क्या आए थे और कुछ तो हमारे पास इतना तो खतरनाक पैल नहीं आए। बट जो पहल आया हमारे पास वो है ये वॉर सेक्ट भाई इसके लिए मेरे को कुछ तो मन कर रहा है पता मेरा मन कर रहा है या तो फिर मैं अपना रॉबिन क्विल हटाऊ बट पता नहीं रॉबिन क्विल हटाना सही रहेगा या नहीं क्योंकि ये देखो यार यार ये क्या लग रहा है भाई देखने में देख रहे हो तुम लोग यदि कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं लग रहा वैसा नहीं लग रहा ये पावर रेंजर वो निंजा स्टॉम में जो वो वाला होता है यार ब्लैक निंजा होता है मतलब ब्लैक निंजा कह रहा हूँ ब्लैक वो होता है रेंजर उसका भी तो ऐसी होता है पावर भाई यार ये बिल्कुल वैसी लग रहा है और एक और चीज़ आई थिंक हमारे पास टेक्नोलॉजी में हो सकता है इसके ऊपर कुछ राइड वाइड करने का भी आ गया हो क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ठीक है एजूरो देखो एजूरोप सैडल तो है बट क्या इसके साथ का कुछ है आई डोंट थिंक से इसके साथ का कुछ है बट भाई ये बहुत क्रेजी पहले मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को दिखने का देखो ना उसको यार आ, कुछ है कुछ है कुछ है। ये इसके ऊपर बैठने के लिए साइडल है लॉल भाई इसको देखो कितना तो मस्त लगता है यार ये हार्वेस्टिंग कर रहा है क्या वो लॉल हाँ हार्वेस्ट कर रहा है भाई नहीं नहीं हार्वेस्ट नहीं कर रहा है ये प्लांटिंग कर रहा है भाई यार ये कितना तो सही पहला गाइस कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को अगर हम लोग वॉर सेक्ट को रखें या फिर हम लोग अपने रॉबिन कुल के रखें रॉबिन क्वल बहुत पावरफुल है बाय द वे ठीक है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा भी और इससे ज़्यादा हाई लेवल भी है बिकले बट इसको देखो ना तुम लोग इसको हम लोग ग्रास टाइप वो सिखा सकते हैं लाइक ग्रास टाइप मूव सिखा देंगे कोई बड़ी बात नहीं है बट बताना मेरे को हम लोग किसको रखे रॉबिन क्विल को ठीक है या फिर हम लोग रखे वॉस एक्ट को इन दोनों में से भाई वॉर्स एक्ट दिखने का तो बहुत खतरनाक है भाई ब्रो, वो मेमो रेत के ऊपर चढ़ गया वो देखो उसको हे, यार मेरे को बताना है ठीक है दोस्तों आजा और चेक इधर 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 क्यूटी क्यूटी क्यों क्यूटी पटूटी कैसे कूद रहा देखो भाई है तो बहुत मस्त यार क्या बोल रहा है भैया एग तोड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाँ डन 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 ठीक है एक मिनट ओ एक मिनट तूने ये देखो इसने देख लो चोर को फट से गया और जाके एजूरो निकाल दी जस्ट बिकॉज ब्यूटीफुल है करके अब सही है मेरी चल ठीक है तू रख ले रख ले रख ले भाई रख ले मैं तेरे को वैसे ही दे रहा हूँ तू यार ये क्या कर रहा है भाई तू उसके पंजों में क्यों बैठा हुआ है ऐसा लग तेरे को पंजों से पकड़ के चल रहा है वो ओए ओए तेरे को बता रहा हूँ तू तो ढंग सीख जा ढंग से मत कर मर गया अब मेरे हाथ से ले इधर आ तेरे वैन वन की ना ऐसी की तैसी करता हूं। मैं इधर आ इधर आ देखो उसको कैसे पकड़ के ले जा रहा हूं ले तेरा वैन वन नहीं गिरा दिया ना मैंने अब तू देख बेटे अब तो गन्स आ गई हैं और अभी तो देखो भाई इसमें तो असॉल्ट राइफल भी बनती है तू रुक जा बेटे तुझे और तेरे वैन वन दोनों को बताता हूँ मैं रुक जा जरा तू कहाँ भागेगा कहाँ तक भागेगा तू अरे यारेगी लेको ना इतना मारूंगा ना किसी ने